सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको एक डॉग ब्रीड डॉग बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे ज्यादा खरीदते ही है दोस्तों ये डॉग ब्रीड। आईफोन लेना सबका ड्रीम होता है, वन प्लस लिया था दोस्तों, जिससे ये मेरा वीडियो जो अभी ट्रेंडिंग में गाड़ी है दोस्तों, जिसका नाम है अचीवमेंट है, जो कि ये देख सकते हो आप, ये एवरीबॉडी क्या हाल चाल, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट चैनल आशीष डॉग वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, आज दोस्तों मैंने डॉग बिजनेस करके क्या क्या अचीव किया है वो मैं आप सबको आज बताऊंगा दोस्तों, और आप कैसे डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो उसके पहले दोस्तों आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, में शेयर करना, और दोस्तों मेरे चैनल को कर देना दोस्तों सब्सक्राइब, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और इससे भी मैं अच्छे अच्छे और वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप अगर एक डॉग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक ऐसी ब्रीड आप अपने यहाँ पे रखो फीमेल डॉग की, जो बिकने में एकदम आसानी से बिके। और तो ऐसी कौन सी ब्रीड है दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा। एक ज़माने में दोस्तों लैब्राडोर का क्रेज़ था, और लैब्राडोर का क्रेज़ दोस्तों एक ज़माने में इतना था कि हर कोई बोलता था कि मुझे लैब्राडोर ही चाहिए। तो आज लैब्राडोर का थोड़ा डाउन चल रहा है दोस्तों मार्केट। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको एक डॉग ब्रीड या डॉग बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले एक जर्मन शेपर्ड लाओ, और जर्मन शेपर्ड ही एक ऐसी ब्रीड है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक ब्रीड है, और सबसे ज़्यादा खरीदते ही है दोस्तों ये डॉग ब्रीड को। तो अभी तक के दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक मुझे ये बिजनेस में आके करीब 3 साल हो चुके हैं, और मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है दोस्तों। अभी डॉग ब्रीडिंग कैसे की जाती है, और एक डॉग की केयर कैसे की जाती है, मेरे वेटरनरी तो साथ में रहते ही है, बट मुझे भी बहुत कुछ अभी डॉग के बारे में पता चल गया है दोस्तों। मेरे वेटरनरी को पूछता ही हूँ कि कौन से टाइम में कौन सी दवा देना है या कौन सी ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो यही देता हूँ दोस्तों। 3 साल के अंदर मैंने डॉग बिजनेस करके अभी तक दोस्तों मैंने सबसे पहले लिया दोस्तों एक आईफोन लिया था, जो कि आईफोन 11 है, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने आईफोन 11 लिया था दोस्तों। ये करीब मैंने डॉग बिजनेस स्टार्ट किया था उसके 1.5 साल बाद ही मैंने एक आईफोन 11 लिया था, तो वो भी मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि रिलेटिव में दोस्तों किसी के पास नहीं होता था, और एक आईफोन लेना सबका ड्रीम होता है। मैंने भी सोचा था कि मुझे भी लेना है, बट ये दोस्तों ये मैंने अचीव किया सिर्फ डॉग बिजनेस करके। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों करीब 8 महीने बाद, आईफोन लेने के 8 महीने बाद दोस्तों मैंने मेरा एक जो वन प्लस लिया था दोस्तों, जिससे ये मेरा वीडियो शूट हो रहा है, वो वाला वन प्लस लिया हूँ मैंने दोस्तों। जब आईफोन लॉन्च हुआ था दोस्तों तब आईफोन लिया था, और उसके 8 महीने बाद दोस्तों डॉग बिजनेस से ही मैंने वन प्लस भी लिया हूँ। तो क्वालिटी जैसे है आपको पता ही चल रहा होगा दोस्तों कि फ़ोन कितना महंगा है। और उसके बाद दोस्तों अभी रिसेंट में दोस्तों मैंने दोस्तों अभी 4-5 ही दिन हो चुके हैं, मुझे और एक अचीवमेंट मिली जिसका नाम है बजाज की चेतक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बजाज की चेतक मैंने ले लिया हूँ अभी सिर्फ डॉग बिजनेस करके। आप देख सकते हो दोस्तों इसकी की भी मेरे हाथ में है, और तो ये 3 चीज़ें मैंने मेरे लाइफ में बड़ी की है दोस्तों, यानी कि ये मेरी 3 चीज़ें दोस्तों मैंने डॉग बिजनेस करके लिया हूँ, और बहुत कुछ किया हूँ दोस्तों। तो आप भी कर सकते हो डॉग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ नहीं लगता है दोस्तों डॉग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप एक दोस्तों फीमेल डॉग ले आओ, उसकी अच्छे से केयर करो दोस्तों, कम से कम 18 मंथ, और उसके बाद दोस्तों हर 6 महीने में वो आपको पैसे कमा के देंगी, और सब कुछ बराबर ही होगा दोस्तों। और ऐसे होता है दोस्तों, और एक डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं होता है, बट पहले दोस्तों बोलते हैं घर में कि डॉग नहीं लाना, ये नहीं लाना, बट कुछ दिन बाद वो सब मैनेज हो जाता है। मेरे यहाँ भी वैसे ही चलता था दोस्तों, पहले डॉग नहीं लाना है, उसके बाल झड़ेंगे, ये होगा वो होगा, बट कुछ दिन बाद सब मैनेज हो गया। मैंने उनके लिए कुछ दिन वो मेरे डॉग जो थे वो नीचे रहे, बट मैं अभी उनके लिए ऊपर सेपरेट रूम किया हूँ, तो वो सेपरेट रूम में ही रहते हैं। और कितने डॉग से आप डॉग बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, तो आपको कोई 7 या 8 या 10 डॉग नहीं खरीदना है। अगर आपको डॉग बिजनेस स्टार्ट करना है, आप 1 या 2 से ही डॉग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप सबसे पहले एक ही लाइए, उसके बारे में सब जानिए, उसकी डाइट क्या होती है, उसका जो मेंटेनेंस क्या होता है वो सब आप जानिए, आपको पता ही चलेगा दोस्तों 1 साल के अंदर कि
जो अपन डॉग पालते हैं तो उनको कितना खर्चा आता है, क्या आता है, उसके हिसाब से। दोस्तों मेरे यहाँ भी पहले एक ही डॉग हुआ करता था और अभी दोस्तों मेरे यहाँ दो है। और अभी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छे क्वालिटी का जर्मन शेपर्ड, ये जो कि फुल अल्ट्रा लॉन्ग कोट है, वो अभी लाने की सोच रहा हूँ। वो दिवाली के पहले नहीं तो दिवाली के बाद में आ जाएगा दोस्तों अपने यहाँ, अभी बात चल रही है दोस्तों उसके लिए। वो काफ़ी दूर है दोस्तों, तो उसके लिए बात चल रही है और अच्छे टॉप लाइन का है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अपने घर में रह के लाखों रुपए कमा सकते हो एक डॉग बिजनेस स्टार्ट करके। इसके लिए कुछ नहीं लगता है दोस्तों, आपके घर में वो जब भी आप डॉग लाओगे वो आएगा चुपचाप, जब आप खिलाओगे तो खाएगा, वो चुपचाप जाके कोने में सो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना भी मैंने अचीव किया मैं सब आपको बता दिया हूँ, क्या क्या मैंने अचीव किया है। मैंने जो मेरी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि अपने डेली रूटीन में काम में आती है, वही मैंने बताया हूँ। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने और भी कुछ किया हूँ, वो भी मैं कहीं आपको अगली वीडियो में वगैरह बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और आप मेरे चैनल पे अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और इससे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम पे भी आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, वंदे मातरम।